हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्व के चैप्टर नंबर सेवन जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट जो कि होने वाला है कैंसर तो इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो दी थी, थी उसमें आपको मैंने डिटेल स्टडी कराई थी अबाउट अ डिजीज़ नेम्ड एच आई वी एड्स एड्स के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल स्टडी मैंने प्रोवाइड की थी नाउ टूडे इन दिस वीडियो वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट अ डिजीज विच इज़ वेरी वेरी कॉमन इन आर कंट्री एटलीस्ट दैट इज कैंसर आपने हर किसी चौथे पांचवें व्यक्ति को बोलते हुए सुना होगा अरे फलाने की डेथ हो गई यार कैंसर हो गया था उसे है ना उसको फोर्थ स्टेज कैंसर था उसको थर्ड स्टेज कैंसर था वो तो कैंसर था तो अब कैसे ही बचते कैंसर था तो उसकी तो डेथ होनी ही थी तो मतलब ऐसा क्या है इस बीमारी में कैंसर में कि अल्टीमेटली लोग बिल्कुल ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं थर्ड फोर्थ स्टेज में कि यार अब उनकी तो डेथ होनी ही होनी थी तो चलिए कुछ सीखते हैं कुछ नई बातें जानते हैं और डिटेल स्टडी करते हैं अबाउट द टॉपिक कैंसर तो कैंसर होता क्या है कैंसर इज एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर तो कैंसर क्या बीमारी है कैंसर वो बीमारी है जब हमारी सेल्स को होश खबर ना रहे कि हमें कितना डिवाइड करना है वो बेसुध होकर सिर्फ डिवाइड करती जा रही हैं करती जा रही हैं करती जा रही हैं अब जब उनको कोई आइडिया नहीं रह गया है कि मुझे कितना डिवाइड होना है तो क्या होगा कोई भी चीज़ है जो सिर्फ एक सीधी लाइन में रहनी चाहिए थी अब उसको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है वो बस बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है तो जब बढ़ती जाएगी कंटिन्यूसली तो क्या क्रिएट होगा उसके बढ़ने से यहाँ पे लंप क्रिएट होगा मास क्रिएट होगा यहाँ चीज़ें इकट्ठी होने लगेंगी बहुत सारी और जहाँ पे बहुत सारी सेल्स का गुच्छा बन जाता है बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं दिस इज रेफर टू एज ट्यूमर क्या बोलते हैं हम ग्रुप ऑफ सेल को या मास ऑफ सेल को बोलते हैं ट्यूमर एंड कैंसर इज नथिंग बट ट्यूमर कैंसर कुछ अलग सा नहीं है कैंसर को क्या है कैंसर इज अ टाइप ऑफ ट्यूमर ओके समझ में आई बात आपको तो कैंसर कुछ भी नहीं है आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए जो सेल्स की प्रॉपर्टी होती है टू डिवाइड नॉर्मल प्रॉपर्टी है सेल्स का डिवाइड होना एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है लेकिन कैंसर के केस में क्या हो जाता है वो नॉर्मल फिनमिना डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी सेल एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड तरीके से मल्टीप्लाई होने लगती हैं जिसके कारण एक ट्यूमर क्रिएट होता है मासज सेल तो ट्यूमर होता है क्या है इट इज अ ग्रुप या कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल तो कैंसर की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी और ये चीज़ तो समझ में आई होगी कि कैंसर में एक्चुअल में हो क्या जाता है तो क्या हो जाता है एक्चुअल में कैंसर में कैंसर में ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है किसकी फॉर्मेशन हो जाती है ट्यूमर क्यों फॉर्म हो गया ट्यूमर क्योंकि सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मली और अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड कर रहे हैं क्लियर हो गया आपको अब जब आपको ये बात समझ में आई है तो आपको एक और बात समझ में आना चाहिए कि सेल्स में ऐसा क्या हो गया अचानक से कि वो इतना ज़्यादा डिवाइड करने लगी कैंसर अचानक से होता है ना वो तो अरे वो तो अच्छा खासा था ना बेचारा गुटका खाता था ना तंबाकू खाता था अचानक से उसको कैंसर हो गया तो एकदम से अचानक से सेल में ऐसा हुआ क्या अभी तक मतलब कुछ चीज़ थी जो ठीक चल के आ रही थी लेकिन अचानक से हमारी सेल को कुछ ऐसे ट्रिगर हुआ और कैंसर हो गया तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट वाज नॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल अभी मुझे कैंसर नहीं है तो नॉर्मल मेरी सेल्स में क्या हो रहा है नॉर्मली मेरी सेल्स में ये हो रहा है कि मेरी एक सेल उसकी पड़ोसी सेल और उसके अड़ोसी सेल मतलब जो मेरी सेल्स लाइन में अगर एक सी, एक आप समझो लीनियर फैशन में अरेंज है नॉर्मली दिस इज माय वन सेल दिस इज अनादर सेल एंड दिस इज वन मोर सेल ये क्या सेल्स है सेल्स हैं ठीक है ये तीन सेल जो हैं वो एक दूसरे से चिपकी हुई हैं चिपकी हुई हैं कि नहीं तीनों सेल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है तीनों सेल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में, में आपको दिख रहा है ये जो सेल का हर सेल के साथ एक सेल का हर सेल के साथ में जो कॉन्टैक्ट होता है इस कॉन्टैक्ट के कारण सेल एक लिमिटेड अमाउंट तक डिवाइड या ग्रो करती है क्या समझाया मैंने आपको यहाँ पे जो सेल है इसको मल्टीप्लाई करना है इसको ग्रो करना है लेकिन ये जो और दूसरी सेल्स के कंटैक्ट में होने के कारण ये एक लिमिटेड अमाउंट में ग्रो करती है ऐसा नहीं कि बहुत अनलिमिटेड ग्रो करती जा रही है ऐसा नहीं होता ठीक है ऐसा नहीं होता इस सेल को दूसरी और सेल्स कंट्रोल कर रही है उसके डिवीजन को कंट्रोल कर रही है लेकिन अब किसी को अगर कैंसर हो गया है तो जो कैंसर वाली सेल्स रहती हैं उनकी ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है पड़ोस वाली सेल से टकरा कर अपने डिवीजन को रोक लेना ये प्रॉपर्टी कैंसर सेल से ख़त्म हो जाती है एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन्ज कंटैक्ट इिबिशन क्या बोलते हैं हम लोग इसको कंटैक्ट इनिबिशन तो नॉर्मल सेल्स जो अपने अपने साइड नेबरिंग सेल्स के कंटैक्ट में आने से अपने डिविजन को रोक देती हैं इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन तो ये नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होती है और कोई भी ऐसी सेल जिसमें कैंसर हो गया है तो कैंसर सेल में कंटैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है अब वो आसपास वाली सेल के टकराने से टकराने पर अपना डिवीजन नहीं रोकेगी चाहे कुछ भी हो जाए अब उसको डिवाइड करना है तो करना है तो नॉर्मल सेल्स शो अ कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल इनिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ यही समझाया मैंने आपको कि जो उनकी नेबरिंग सेल्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में आने के कारण उनकी अनकंट्रोल्ड नहीं होती है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होती है कैंसर सेल्स डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी तो कैंसर सेल में से कौन सी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है तो कैंसर सेल्स में से ध्यान रखिए आप कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी पूरी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है क्लियर तो वॉट इज कैंसर एंड सेकेंडली कौन सी प्रॉपर्टी के लॉस होने के कारण होता है कैंसर तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी के लॉस होने के कारण होता है कैंसर नाउ लेट्स मूव टू ट्यूमर ओके okay, तो ये बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं आपको ये भी समझ में आ गया कैंसर इज अ टाइप ऑफ ट्यूमर तो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर दैट आर फाउंड इन आर बॉडी तो ट्यूमर कुड बी ऑफ टू टाइप नंबर वन बेनाइन ट्यूमर एंड नंबर टू मेलेग्नेट ट्यूमर ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के नंबर वन इज क्या पढ़ते हैं इसको बिनाइन बी नाइन बी एंड नाइन तो बिनाइन ट्यूमर एंड सेकेंडली मेलिगनेंट ट्यूमा तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर अब इन दोनों टाइप के ट्यूमर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिनाइन ट्यूमा आप सभी को मस्से होते होंगे अब पता है जिसको मस्से नहीं पता तो मैं उसको बताना चाहूंगी हमारे स्किन पे कुछ ऐसे एबनॉर्मल स्किन के ग्रोथ होते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे साइज के रेडिश कलर के रहते हैं बिल्कुल पिंकिश रेडिशन कलर जो हमारे स्किन पे आउटर सरफेस पे लटक जाते हैं या फिर आप ये जो मोल्स वगैरह देखते हैं तिल जो अपने चेहरों पर देखते हैं ये सब होते हैं बेनाइन ट्यूमर वो बोलोगे हाँ हमें तो कैंसर होने वाला है मतलब ट्यूमर है हमको तो लेकिन यही तो प्रॉपर्टी होती है बेनाइन ट्यूमर की कि दे रिमेन कन्फाइंड टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ पर ये ओरिजिनेट हुए ये सिर्फ और सिर्फ वहीं रहते हैं ये दुनिया भर में घूमना पसंद नहीं करते

कॉज लिटिल डैमेज और जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं कैसे होते हैं उसी जगह पर रहते हैं स्प्रेड नहीं होते तो इसलिए डैमेज जो ये करते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट का होता है समझ आया पक्का ठीक है तो बिनाइन ट्यूमर तो हमको क्लियर हो गया नेक्स्ट देख लेते हैं मेलेग्नेंट ट्यूमर तो थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा कि बेनाइन फैल नहीं रहा है तो पक्के से मेलेग्नेंट ऐसा वाला ट्यूमर है जो बॉडी में फैलेगा मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटेड डाउन न्यू प्लास्टिक सेल्स और द ट्यूमर सेल्स तो ऐसी सेल्स जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं तो वो अल्टीमेटली उन्हें क्या बोलते हो आप या तो ट्यूमर सेल एंड ऑल्सो अ वेरी सिमिलर वर्ड न्यू प्लास्टिक सेल तो या तो आप न्यू सेल बोलो तो उससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेल क्या कर रही है बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रही है और अपने नंबर को इनक्रीज कर रही है और सिमिलरली कोई अगर आपको ट्यूमर सेल बोल रहा है तो भी आपको सेम कंसेप्ट समझ में आना चाहिए तो मास ऑफ प्रोलीफरेटिंग सेल्स प्रोलिफरेटिंग का क्या मतलब होता है टू इंक्रीज इन नंबर अपने नंबर को इंक्रीज करना तो यहाँ पर ट्यूमर सेल अपने नंबर को इंक्रीज कर रही है दैट ग्रो रैपिडली इन्वेट एंड डैमेज द सराउंड नॉर्मल टिश्यू तो यहाँ पर क्या हो रहा है जो ट्यूमर सेल है वो ग्रो कर रही है मांस बनाया एक ट्यूमर बनाया लेकिन अब यहाँ पर जो ये ट्यूमर है ये उसी जगह पर नहीं रह रहा है इट इज़ ग्रोइंग इट इज इनवेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग टिश्यू इन्वेडिंग का क्या मतलब होता है जो आस पास के जितने इलाके हैं वहाँ पर जाके उनको भी डैमेज करना बिनाइन ट्यूमर के केस में आपने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था आपने बल्कि ये देखा था कि दे रिमेन स्टिक टू प्लेस वेअर दे ओरिजिनेट वो उसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर वो ओरिजिनेट हुए हैं समझ में आ गई बात पक्का ठीक है तो दे डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू को हमारे अफेक्ट करता है कौन सा ट्यूमर मेलिगनेट ट्यूमर ड्यू टू एक्टिव डिविजन एंड ग्रोथ दे स्टार्मल सेल्स बाई कॉम्पीटिंग फॉर न्यूट्रिय अब इस बात को ऐसे समझते हैं आपके घर में खाना बनता है कितने लोगों के लिए चार लोगों के लिए आप हो आपकी मम्मी हैं आपके पापा हैं और एक आपका छोटा सिबलिंग है ठीक है छोटा भाई या बहन कोई भी अब आपके घर में चार लोगों के लिए खाना बनता है ओके अचानक से एक दिन रात को बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए एक ना कॉल करा ना कुछ करा आपके घर में फ़िफ्टीन गेस्ट एक्स्ट्रा आ गए कितने गेस्ट एक्स्ट्रा आ गए फिफ्टीन आपके घर में खाना कितने लोगों के लिए था फोर गेस्ट एक्स्ट्रा कितने आ गए फिफ्टीन फिफ्टीन लोग एक्स्ट्रा आ गए तब क्या होगा और वो बहुत तेज़ भूखे हैं उन्हें भूख लगी हुई है बहुत ज़ोर से अब आप मुझे आंसर करोगे मैम हम तो जोमेटो कर लेंगे हम स्विगी से मंगा लेंगे नहीं अभी रात हो गई है नहीं आ रहा जोमेटो स्विगी से भी ठीक है आपको अल्टीमेटली सोल्यूशन ये है कि आपको डिसाइड करना है या तो आप खाओ या तो आप उन्हें खिलाओ अब एथिक्स मैनर्स क्या बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि गेस्ट को पहले पूछना चाहिए अब हम क्या करेंगे हम गेस्ट को खाना खिला दिया हमने अपना और हम रह गए खाली पेट वी जस्ट रिमेन स्टाविंग फॉर फूड देख के लालच ही आता था लेकिन खाने पाए जो खाना था उनको ही खिलाना पड़ा ओके okay? आई बात समझ में सिमिलर चीज़ हमारी बॉडी में हो रही है नॉर्मल हमारी बॉडी को चार सेल्स की रिक्वायरमेंट सपोज एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं आपको हमारी बॉडी को फोर सेल्स की रिक्वायरमेंट पूरी करना आती थी उसको न्यूट्रिशन देना आता था उसे गैसेस देना आता था उससे वेस्ट एक्सचेंज करना आता था जस्ट ओनली फॉर फोर सेल्स बस लेकिन ये तो मेलेग्नेंट ट्यूमर था ये क्या करता है ये तो ग्रो करता है ये तो फैलता है ग्रो कर रहा है इसका मतलब ये अपना नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है कहां चार सेल थी और वो इंक्रीज होकर कहां पंद्रह सेल बन गई अब बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं रह पाया कि वो पंद्रह सेल्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए पंद्रह सेल्स बन गई तो उन सबको न्यूट्रिशन देना है उन सबको ऑक्सीजन देना है उन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड हटानी है उनको ब्लड सप्लाई देना है सब कुछ देना है बॉडी इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग सो मच वर्क तो अब क्या होगा होगा ये कि एक्टिव डिविजन ऑफ ग्रोथ के कारण जो मेलिकनेट ट्यूमर वाले सेल्स होंगे वो सारा का सारा न्यूट्रिशन ले जाएंगे और जो नॉर्मल सेल्स होंगी हमारी नॉर्मल सेल्स वो बेचारे इन ट्यूमर सेल्स से लड़ते लड़ते भूखी रह जाएंगी और अल्टीमेटली उनकी डेथ होने लगेगी नॉर्मल सेल्स की क्या होने लगेगी डेथ होने लगेगी और ये जो ट्यूमर सेल्स हैं ये बढ़ रही हैं नंबर में तो अब आप नंबर में बढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे जो कम है उससे आप फाइट करके रिसोर्सेज ले लोगे सेम चीज़ हो रही है ट्यूमर सेल ज़्यादा हो गई उन्होंने लड़ाई करी किससे उन्होंने लड़ाई करी नॉर्मल सेल्स से और उनका जो न्यूट्रिशन था वो ले लिया और खुद सर्वाइव कर गई और नॉर्मल सेल्स बेचारी मर गई तो मेलेग्नेंट के ट्यूमर के केस में क्या हो रहा है सबसे पहली बात प्रोलीफरेट होता है मतलब नंबर इंक्रीज होता है ग्रो हो रहा है ठीक है प्रोलीफरेट हो गया तो ग्रो आप उससे समझ गए सेकेंड चीज़ क्या हो रहा है स्प्रेड होता है इन्वेड करता है दूसरे नॉर्मल सेल्स को भी ये अफेक्ट करता है साथ ही साथ में जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको न्यूट्रिशन के लिए ये स्टाफ करवा देता है क्योंकि उनसे कंपटीशन करके ट्यूमर सेल्स सारा का सारा न्यूट्रिशन खुद कंज्यूम कर लेती हैं इज दैट क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स कोई भी डाउट आपको ओके सो है वी आर डन विद डिस्कशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर फर्स्ट वॉज बेनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड वॉज मेलेग्रेन ट्यूमर नाउ आपने मैलिग्नेंट ट्यूमर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी जिसमें आपने क्या सीखा इट स्प्रेड्स और बेनाइन में आपने सीखा था इट डू नॉट स्प्रेड्स तो जो ये प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की कि वो फैलता है और नॉर्मल दूसरी सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस क्या बोलते हैं इसे हम लोग मेटास्टेसिस तो मेटास्टेसिस क्या होता है सेल्स Slushed from tumor and reach other sides via blood, where ब्लड वे फॉर्म न्यू ट्यूमर अब कोई भी एक जगह है सपोज ये हमारा है, हैंड है ठीक हैंड है और इसमें यहाँ पे tumor हो गया है red color का tumor हो गया है ठीक है tumor है और ये जो ट्यूमर है ये मेलेग्नेंट टाइप का है कौन सा है मेलेग्नेंट अब क्या होता है malignant ट्यूमर क्या करता है मेलिकल ट्यूमर जो है इसकी सेल्स यहाँ से निकलेंगी और आ जाएंगी ब्लड में किस में आ जाएंगी ब्लड में सेल्स ऑफ़ फ्रॉम द ट्यूमर एंड रीच द अदर साइड वाया ब्लड तो सेल उस ट्यूमर से निकल के किस में आ गई ब्लड और ब्लड के थ्रू सपोज ये ब्लड तो बॉडी में पूरी जगह जा रही है हमारे पैरों में आया ब्लड तो अब वहाँ से वो सेल निकल कर कहाँ आ जाएगी वो रेड वाले ट्यूमर की सेल निकल कर हाथों से हमारे पैर में भी आ गई किसके थ्रू ब्लड के थ्रू और अब जब वो यहाँ पैर में आ गई तो वो यहाँ भी एक नया ट्यूमर फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा बिकॉज इट इज़ अ मेलेग्नेंट टाइप एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू रेप इट इज हैज़ द ऑल एबिलिटीज टू गेट डिवाइड एंड टू गेट प्रोलिफरेट गॉट इन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटास्टा तो मेटास्टा शोन बाय विच टाइप ऑफ ट्यूमर बेनाइन और मेलेग्नेंट आंसर इज मेलेग्नेट ट्यूमर मेटास्टा क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक ट्यूमर से एक सेल निकली ब्लड में आई अब ब्लड जहाँ जहाँ भी जा रहा है बॉडी में दूसरी जगह पर वो ट्यूमर सेल ब्लड के साथ उस उस लोकेशन पर जा सकती है और वहां पर जाके नया ट्यूमर बना सकती है दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटास्टास एंड इट इज शोन बाय मेलेग्नेट टाइप ऑफ ट्यूमर क्लियर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम और कुछ बातें समझते हैं ऑफ कैंसर कैंसर आर आर बाय सम एजेंट्स एंड दे रेफर टू एज कार्सिनोजेंस तो जो भी एजेंट कैंसर कॉज करते हैं वो कहलाते हैं कार्सिनोजेंस क्या कहलाते हैं वो कार्सिनोजेंस कार्सिनोजेंस जो होते हैं आपको ये समझ में आ गया दे आर कैंसर कॉजिंग एजेंट जो कैंसर करवाएगा वो हो गया कार्सिनोजन Cancer-causing agent can be of three types. Very, very important. Theme type cancer-causing agent. Number one, physical agents. Number two, chemical agents. And number three, biological agents. Let's first discuss about the physical agents. Now, what is physical agents? Ionizing radiations like X-rays and gamma rays and non-ionizing radiations like ultraviolet rays. तो अगर आप फिज़िकल एजेंट्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें मेनली आ जा रहे हैं इन्वॉल्व इसमें मेनली हो रहे हैं रेडिएशंस आयोनाइजिंग टाइप की भी रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग टाइप की भी रेडिएशन तो रेडिएशंस सन से आने वाले अल्ट्राइलेट रेज हो गए या एक्स रेज हो गए या गामा रेज हो गए दीज आर द आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड दे आर द कार्सिनोजन्स विच टाइप ऑफ कार्सिनोजन फिजिकल कार्सिनोजन दे हैव द एबिलिटी टू कॉज कैंसर तो फिजिकल कार्सिनोजन में आपको किसके एग्जाम्पल से याद रखना है Ionizing क्या आ जाएगा केमिकल एजेंट्स में आएंगे टोबैको स्मोक मतलब बहुत ही कॉमन है ना टोबैको स्मोक तो टोबैको स्मोक टोबैको स्मोक मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर को जो टोबैको चू च्यू करते हैं या इनहेल स्मोक करते हैं तो उसमें मेनली क्या हो सकता है उसमें मेनली लंग कैंसर हो सकता है विनाइल क्लोराइड कैफीन निकोटिन मस्टर्ड गैस ऑल दीज आर द केमिकल एजेंट्स और द केमिकल कार्सिनोजेंस तो केमिकल कार्सिनोजेंस में क्या क्या हो जाएगा मेनली टोबैको और क्या जा रहा है उसमें हम देखो कैफिन निकोटीन मस्टर्ड गैस विनाइल क्लोराइड ऑल दीज फॉल अंडमिकल एजेंट्स so you are done with physical carcinogens then chemical carcinogens lastly we have biological carcinogens now what are biological carcinogens oncogenic viruses cellular oncogenes c onc and proto oncogenes etc when c onc in normal cell is activated the cell become oncogenic आपको पता नहीं पता है कि नहीं बट जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं एंड स्टडी ऑफ कैंसर इज रेफर टू एज ऑन्कोलॉजी तो ऑन्को वर्ड कहीं भी आ रहा है ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजिस्ट कुछ भी ऑन्को वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू कैंसर तो जो हमारी सेल्स होती हैं हमारी सेल्स में नॉर्मली प्रेजेंट होती है सेल्युलर ऑन्कोजीन क्या प्रेजेंट होती है हमारी नॉर्मल सेल्स में सेल्यूलर ऑन्कोजीन प्रेजेंट होती है या फिर प्रोटो ऑंकोजीन प्रेजेंट होती है मतलब नॉर्मल अभी आपको कैंसर नहीं है लेकिन आपकी सेल में भी प्रेजेंट है सेल्यूलर ऑंकोजीन मेरी सेल में भी प्रेजेंट है सी ऑंक या प्रोटो ऑंक मतलब प्रोटो ऑक्न जीन्स या फिर सेल्युलर ऑंकोजीन नॉर्मली हमारी सेल्स में प्रेजेंट हैं बट इन सिचुएशन दीज ऑंकोजीन्स गेट एक्टिवेटेड दीज सेल्यूलर और प्रोटो ऑंकोजीन्स गेट एक्टिवेटेड एंड वेन सी ऑंकोजीन इन नॉर्मल सेल इज एक्टिवेटेड जैसे ही वो ऑन्कोजीन जो अभी हमारी सेल्स में प्रेजेंट है वो कभी अगर एक्टिवेट हो जाती है तो क्या होगा हमारी सेल जो होगी वो कैंसरस सेल बन जाएगी या फिर ऑन्कोजीनिक सेल बन जाएगी मतलब कि उस सेल में कैंसर हो जाएगा समझ biological agents में आई? बायोलॉजिकल एजेंट्स में बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस में आपको क्या याद रखना है ऑलरेडी हमारी सेल्स में प्रेजेंट होती हैं सेल्यूलर ऑंकोजीन्स एंड प्रोटो ऑंकोजीन्स नॉर्मल

तो कुछ ऐसे वायरस हैं जो उस ऑन्कोजीन को जाके अफेक्ट कर सकते हैं दे आर नोन एज ऑन्कोजीनिक वायरस वॉट दे आर नोन एज दे आर नोन एज ऑन्कोजीनिक वायरस क्लियर ओके सो आई होप आपको कार्सिनोजन समझ में आया होगा कार्सिनोजन क्या होते हैं तो कार्सिनोजन द कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस दे आर ऑफ थ्री टाइप्स फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल तीनों के एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं क्लियर ओके ना हो कैंसर डिटेक्शन एंड डैग्नोसिस अब कोई पर्सन है उसे कैंसर हो गया है अब क्या कैसे पता चले मतलब कैंसर तो बहुत ही कॉमन है ना आपने खुद से सुना होगा पेट स्कैन होता है क्या 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 आप बहुत कुछ सुनते आ रहे होंगे लेकिन अगर बेसिक कोई स्टेप्स बताए कि कैसे कोई भी डॉक्टर है वो कैसे स्टार्ट करता है टू डायग्नोज टू डायग्नोज कैंसर तो दर आर द फ्यू मेथड्स टू डायग्नोज कैंसर नंबर वन बायोप्सी नंबर टू इमेजिंग टेक्निक्स एक करके चारों को डिटेल में देखते हैं कि कैसे कैसे हमको हेल्प कर रहे हैं टू डायग्नोस कैंसर ओके नंबर वन बायोप्सी क्या करते हैं बायोप्सी में अगर कोई पर्सन है उसकी बॉडी में कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है कोई आपके पास आया कोई पेशेंट और उसने अपना हैंड दिखाया चेस्ट दिखाया स्टमक दिखाया या कुछ भी दिखाया उसमें से बताया या तो मुझे कुछ ऐसे अब नॉर्मल अंदर गठान टाइप की फील हो रही है डॉक्टर साहब या तो बाहर से ही कुछ आपको दिख रहा है कि कुछ गठान जैसा दिख रहा है और आपको ऐसा डाउट है कि इट मे बी कैंसर वो हो सकता है कैंसरस हो जो ट्यूमर है वो कैंसरस हो तो क्या करा जाता है वो जो सैंपल है उस पर्सन का उस पर्सन जो ट्यूमर लेके आया है उस ट्यूमर में से बहुत ही थिन स्लाइस ऑफ सेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं

और अगर उसमें नहीं दिख रही जीन ओंकोजिंग प्रोटोकोजिंग तो मतलब ठीक है अभी कुछ भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है नॉर्मल ट्यूमर है वो कैंसरस नहीं है ओके okay, क्लियर हुई बात तो बायोप्सी आपको क्लियर हुआ क्या होता है इसको हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज भी बोलते हैं बिकॉज उसमें हम लोग टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं तो टिश्यू जो होता है उसकी स्टडी को हिस्ट्रोलॉजी बोलते हैं तो यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बायोप्सी इज ऑल्सो रेफर टू हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी इन केस ऑफ ल्यूकेमिया बायोप्सी ऑप्सी एंड हिस्ट्रोपेथोजिकल स्टडीज ब्लड एंड बोन टेस्ट फॉर इंक्रीज काउंट अब अगर किसी को ल्यूकेमिया हो गया ल्यूकेमिया क्या होता है ब्लड कैंसर अब ब्लड कैंसर में कैसे स्लाइस निकालोगे अभी तो अगर कोई सॉलिड ट्यूमर माँजता तो उसमें तो सिर्फ तो स्लाइस निकाल ली और बायोपसी परफॉर्म कर ली लेकिन अब तो ल्यूकेमिया हो गया ना ल्यूकेमिया इट इज़ अ ब्लड कैंसर ब्लड कैंसर से कैसे स्लाइस निकालोगे तो यहाँ पर क्या किया जाता है बायोपसी के लिए ब्लड सैंपल्स लेते हैं ब्लड एंड बोन मैरो ब्लड एंड बोन वायरो टेस्ट करते हैं टू चेक फॉर इंक्रीज सेल काउंट ब्लड का सैंपल निकाल लेंगे या तो बोन वायरों सैंपल निकालेंगे और उसमें चेक करेंगे क्या जो नॉर्मल ब्लड काउंट है सेल काउंट है वो बड़ा है अगर नॉर्मल सेल काउंट बढ़ा हुआ मिल रहा है तो मतलब कि येस देयर मे बी चांसेस ऑफ ल्यूकेमिया क्लियर ओके डन विथ बायोप्सी सेकेंड टेक्निक दैट वी हैव आर द इमेजिंग टेक्निक्स इमेजिंग मतलब फोटो खींचने वाली टेक्निक्स तो फर्स्ट फोटो खींचने वाली टेक्निक्स में आ जाता है इमेजिंग टेक्निक्स में आ जाता है रेडियोग्राफी रेडियोग्राफी में क्या करते हैं अगर कोई टिश्यू एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये कैंसरस है उससे हम लोग पास करते हैं एक्स रेज क्या पास करते हैं एक्स रेज एक्स रेज से फिर एक इमेज उपलेन होती है उस इमेज में स्टडी करते हैं कि इफ इट इज़ अ कैंसर सेल और नॉट टेक्निक इज नोन एज रेडियोग्राफी क्या बोलते हैं उसे हम रेडियोग्राफी नेक्स्ट टेक्नीक दैट वी हैव इन इमेजिंग टेक्निकॉर्म क्या होता है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी व फुल फॉर्म ऑफ सी टी स्कैन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन यूज एक्सरेट अ थ्री डी इमेज ऑफ इंटरन ऑब्जेक्ट अब देखो जो सी टी स्कैन और यह रेडियोग्राफी एक्सरे में क्या है एक्सरे ऑलवेज क्रिएट अ टू डी इमेज टू डायमेंशनल इमेज बट सी टी स्कैन इट क्रिएट्स अ थ्री डी इमेज ऑफ अ ऑर्गन अगर कोई भी ऑर्गन सस्पेक्टेड है कि भाई इसमें कुछ दिक्कत है और हम उसका अगर सी टी स्कैन करवाते हैं तो वी देर देर वी गॉट सम सॉर्ट ऑफ थ्री डी इमेज विच मेक्स द पिक्चर मोर क्लियर कि क्या दिक्कत हो सकती है तो फर्स्ट टेक्निक वो बायोप्सी जिसमें नॉर्मल हम लोग हिस्ट्रोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं सेकेंड इज इमेजिंग टेक्निक्स फोटो खींचने वाली जिसमें क्या है पास करते हैं तो उसमें रेडियोग्राफी एंड ही होगा बहुत कॉमन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एम आर आई में क्या होता है यूज मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइिंग रेडिएशन टू डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू ओके okay, तो एम क्या होता है एम में मिक्स टी क्या यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं साथ ही साथ में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन्स को यूज़ करके एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उस इमेज को एनालाइज करके एनालिसिस करके पता लगाते हैं द साइज ऑफ़ द ट्यूमर द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ़ द ट्यूमर वेयर इट इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी अंडर द विच ऑर्गन एंड द विच नर्व विथ ब्लड वेसल्स ये चीज़ें पता करते हैं ओके okay? साथ ही साथ में टू डिटेक्ट द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू साथ ही साथ में कि स्पेसिफिक ट्यूमर के होने के कारण जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं समझ में आई बात पक्के से ठीक है तो तीन आपने टेक्निक्स पढ़ी इमेजिंग टेक्निक्स कौन कौन सी तीन टेक्निक्स पढ़ी आपने नंबर वन रेडियोग्राफी नंबर टू सी टी स्कैन रेडियोग्राफी में कौन सी रेज यूज करते हैं एक्सरेज सी टी स्कैन में भी यूज करते हैं एक्सरे एंड एम आर आई में यूज करते हैं क्या एम आर आई में हम यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन सिमिलर क्या करने के लिए टू क्रिएट इमेज ऑफ़ द ट्यूमर और द सराउंडिंग ऑर्गन टू डिटेक्ट द डैमेज क्लियर ओके सो वी आर डन विद ओटॉप्सी वी आर डन विद इमेजिंग टेक्निक्स नेक्स्ट वी हैव यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन कैसे करते हैं थर्ड स्टेप जो ये एंटीजन स्पेसिफिक वाली एंटीबॉडीज वाली देखो अगर आपकी बॉडी में कैंसर है तो कैंसर इज ऑल्सो अ डिजीज उससे फाइट करने के लिए क्या करोगे आप उसके उससे कैंसर कॉजिंग एंटीजन होंगे आपकी बॉडी में कैंसर हुआ है तो एंटीजन तो प्रेजेंट थे ही ना इन टर्न बाहर से दी जाती हैं ऐसी एंटीबॉडीज दैट विल फाइट कैंसर एंटीजन्स अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिल गया इसका मतलब यस yes, कैंसर है और एंटीबॉडीज देने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को नहीं मिला इसका मतलब कैंसर नहीं है सिंपल फंडा अगर आपको कैंसर है तो बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगे एंटीजन अब आपको टेस्ट करना है तो आपने टेस्ट लगाने के लिए एंटीबॉडीज दे दी कौन सी एंटीबॉडीज दी होंगी आपने कैंसर स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगर एंटीजन है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा मतलब कैंसर कन्फर्म हो जाएगा अगर एंटीजन नहीं है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा इसका मतलब कैंसर नहीं है तो थर्ड मेथड क्लियर हुआ आपको फॉर डिटेक्शन दैट इज द एंटीबॉडी मेथड एंड डिटेक्शन थ्रू एंटीबॉडीज लास्टली वी हैव मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक टू डिटेक्ट कैंसर रिलेटेड जीन जो हमारे पास लास्ट मैथड है दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्नोलॉजी उसमें हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं उसमें हम डायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए ओंकोजीन्स हम डायरेक्टली उसमें ढूंढ रहे हैं कैंसर रिलेटेड जीन सच इंडिविजुअल शुड अवॉइड कार्सिनोज और अगर हमें किसी पर्सन में कैंसर रिलेटेड जीन मिलती हैं ओके okay, तो मतलब मॉलिकुलर आपने परफॉर्म किया मेथड मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्नोलॉजी वाला जो प्रोसीजर आपने पूरा प्रोसीजर परफॉर्म किया और उसके सेल्स में आपको एक्टिव ऑनकोजींस मिल रही तो आप उस पर्सन को क्या सजेस्ट करोगे क्या रिकमेंड करोगे आप उसको बोलोगे कि कार्सिनोजेंस जो है उन्हें अवॉइड कर अगर आपको लग रहा है कि उसको कैंसर होने के चांसेस हो तो आप उसको मना करोगे कि टोबैको टुबा, मत खाओ स्मोकिंग मत करो क्योंकि कार्सिनोजेंस करते क्या है कार्सिनोजेंस जाके उस ऑंकोजीन्स को एक्टिवेट कराने का काम करते हैं तो जो चीज़ ऑंकोजीन्स को ट्रिगर कर रही है आप उस चीज को अवॉइड करिए ये चीज़ आप सजेस्ट करेंगे आफ्टर मोलिक्युलर बायोलॉजी टेक्नो मोलिक्युलर बायोलॉजी टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग कैंसर तो देयर आर फोर टेक्निक्स नंबर वन बायोप्सी नंबर टू इमेजिंग टेक्निक्स नंबर थ्री यूज ऑफ एंटीबॉडीज एंड लास्टली वी हैव मोलिक्युलर बायोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक through which we can detect the presence of oncogene in the cells, clear? Okay? तो हमें समझ में आ गया कैंसर क्या होता है हमने ये देख लिया किन किन चीज़ों से कैंसर हो सकता है कार्सिनोजेंस क्या होते हैं हमने देख लिया अगर कैंसर हो गया है तो उसे डिटेक्ट कैसे करेंगे पता कैसे लगाएंगे नाउ लास्ट चीज क्या रह जाती है ट्रीटमेंट अब हो गया ना तो अब ठीक भी तो करना है तो फॉर ट्रीटमेंट वी हैव डिफरेंट थेरेपीज नंबर वन वी हैव रेडियोथेरेपी क्या होता है रेडियोथेरेपी में ट्यूमर सेल्स आर इन रेडिएटेड लीथली विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू तो क्या करते हैं रेडियोथेरेपी में रेडियोथेरेपी में जो हमारे ट्यूमर सेल्स हैं ट्यूमर सेल्स को रेडिएशंस के थ्रू किल करने की कोशिश करते हैं विदाउट डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू कोशिश ये रहती है कि विद रेडिएशंस हम टारगेट करके ट्यूमर सेल्स को ही किल करें आसपास में जो नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट हैं उनको हम लोग डैमेज नहीं पहुंचाएं सो दिस प्रोसीजर इज नोन एज रेडियोथेरेपी एंड इट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर नेक्स्ट वी हैव कीमोथेरेपी तो कीमोथेरेपी में क्या यूज़ करेंगे यूज ऑफ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स केमिकल्स का यूज करके हम केमिकल्स का यूज करके क्या करेंगे ट्यूमर सेल्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे बेसिकली कीमोथेरेपी क्या करती है कीमोथेरेपी बॉडी में कोई भी ग्रोइंग सेल जो होती है ना उसको ख़त्म कर देती है तो इसीलिए आफ्टर कीमोथेरेपी लोगों का पूरा हेयर फॉल हो जाता है बिकॉज हेयर्स आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग सेल्स एंड कीमोथेरेपी ने क्या किया जितनी भी ग्रोइंग सेल्स थी उनको जाके रोक दिया तो इसीलिए हेयर फॉल हो जाता है।, है ना और साथ ही साथ में कैंसर ट्यूमर पर तो इफेक्टिव है क्योंकि वो ट्यूमर की ग्रोथ को रोक देगा किसके थ्रू केमिकल्स के थ्रू मैनी ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स लाइक हेयर लॉस एनीमिया एक्सेक्ट्रा कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं मेजर उसमें जो साइड uh, इफेक्ट होता है दैट इज हेयर फॉल ओके क्लियर so these two other treatment method one more method that we have is the immunotherapy what is immunotherapy the patient are given biological response modifiers example alpha interferon which activates their immune system and helps in destroying the tumor ab yahan pe ye kya likha hua hai यहाँ पे ये लिखा गया है कि जिस भी person को हम ऐसे डाउट cancer कैंसर हुआ है हम उसको ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो उसके इम्यून इम्यून सिस्टम में कुछ कुछ चेंजेस लाती हैं अल्फा इंट्रोफेरॉन करके जैसे दवाई हो गई जो किस में चेंजेस लाती हैं उसके इम्यून सिस्टम में चेंजेस लाती हैं और ट्यूमर सेल को ख़त्म कर देती हैं ठीक है, है समझ आ गया लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे क्या नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था नॉर्मल सेल उसको ये दवाई देने के बाद ही क्यों कर पाया ये अल्फ़ा इंटरफेरॉन जब हमने दिए तब हमारे इम्यून सिस्टम को याद है ओ अच्छा ट्यूमर सेल आओ हम तुम्हें तो मारे नॉर्मली क्यों नहीं हमारा इम्यून सिस्टम उसको डैमेज कर पा रहा था खत्म कर पा रहा था उसका तो काम ही है हमें प्रोटेक्ट करना तो लेट मी टेल यू एंड कीप दिस इन माइंड आर इम्यून सिस्टम इज इनकेपेबल ऑफ रिकोगनाइजिंग ट्यूमर सेल हमारे इम्यून सिस्टम को नॉर्मली ट्यूमर सेल्स को आइडेंटिफाई करना नहीं आता और जब उसे ट्यूमर सेल्स को आइडेंटिफाई करना नहीं आता तो उसे उसे खत्म करने के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हो क्लियर तो जो ट्यूमर सेल्स होती हैं दैट रिमेन अनडिटेक्टेड बाय आर इम्यून सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता है ओके okay? अब जब वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो इसीलिए इम्यूनोथेरेपी करते हैं जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम को हम लोग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, जिसमें का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एल्फा इंटरफेरॉन वो हम देते हैं एल्फा इंटरफेरॉन हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है उसको सिखाता है टू आइडेंटिफाई ट्यूमर सेल्स एंड टू डिस्ट्रॉय इट ओके क्लियर हुआ आपको तो देअर आर दिस इज़ थर्ड मोड और या थर्ड वे टू ट्रीट कैंसर नंबर वन वॉज रेडियोथेरेपी नंबर टू वॉज कीमोथेरेपी नेक्स्ट वी हैव इम्यूनोथेरेपी एंड लास्टली वी हैव अ ऑप्शन फॉर सर्जरी तो सर्जरी में क्या होता है सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें ट्यूमर को आपकी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है और अगर किसी को थर्ड स्टेज कैंसर है या जो ट्यूमर है वो बहुत ही बड़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मेथड्स यूज किया जाता है उस पर्सन को कीमोथेरेपी भी देते हैं इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं साथ साथ में अगर जरूरत पड़ती है तो उसकी सर्जरी भी परफॉर्म की जाती है पहले कीमोथेरेपी देके उस ट्यूमर का साइज रिड्यूस किया जाता है जब एक वो स्पेसिफिक छोटे साइज में आ जाता है तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर से उस ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है क्लियर आपको एवरीथिंग एनी डाउट अगर कोई भी डाउट है तो पूछिए बिकॉज ये ऐसे कोई टॉपिक्स हैं अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपसे चलते फिरते पूछ लेंगे अरे तुम तो डॉक्टर बनने वाले हो चलो बताओ इसमें क्या हो जाता है कैंसर हो गया था हमने ये वाला जाँच कराई हमने वो वाली जाँच कराई अब बताओ अब क्या होगा तो दीज आर सर्टिन टॉपिक्स जिसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है और अच्छा भी है ओके एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से करिएगा लाइक और सैबाब अकादमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब थैंक यू एंड कीप वाचिंग